वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मतलब अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चलने वाला है, बिकॉज मैंने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। मैं एक सिंपल लॉजिक बताने वाला आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। देखो सबसे पहले तुम्हारे मन में यही बात आएगी कि मैंने पागल एम टेन का गेम प्ले वीडियो क्यों डाला। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि भाई मेरे पास गेम प्ले नहीं था, और दूसरा रीज़न ये कि भाई मुझे भी कुछ लोग पसंद है फ्री फायर। बिकॉज कुछ बंदे हैं जो मुझे पागल एम टेन जैसे, मतलब कुछ बंदे हैं जो मुझे पसंद है, गेम प्ले देखकर तुम्हें रोज इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और इसी के नाते मैं भी आगे चलकर फ्यूचर में कभी ना कभी गेम प्ले जरूर डालूंगा। हां, वो बॉट वाली गेम प्ले नहीं जो मैं हमेशा हर एक वीडियो में डालता हूं। यानी कि तुम समझ जाओ कि भाई मेरे एरिया में वर्सेस होने वाले, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि भाई तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये चीज कब होगा, कैसे होगा, ये तो फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी। 3-4 दिन से ना मुझे पता चल रहा था कि भाई मुझे रोज कमेंट आते थे कि योर वॉइस इज लाइक स्काईलॉर्ड। पता नहीं कौन से एंगल से तुम्हें लगती है मेरी आवाज स्काईलॉर्ड जैसी। चलो मान लिया कि मेरी आवाज स्काईलॉर्ड जैसी है, बट एक दफा तुम सोच के तो देखो ये भाई साहब ने क्या कमेंट कर दिया। भाई मतलब वो स्काईलॉर्ड की आवाज हो ही नहीं सकती, उसने स्काईलॉर्ड के वीडियोस लिए। मतलब ये हम यहां पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहां पे क्या करने। देखो यार, अकल लगाने का भी एक मतलब तरीका होता है, जज्बात होता है, मतलब कुछ भी करके मतलब हम थोड़ा थियरी वारी लगा लेते कि भाई बंदे ने ऐसे किया होगा, लेकिन इन्होंने तो यार मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर चलो उन सबको जाने दो, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वैसे हमारा टॉपिक क्या था? मूड खराब कर दिया। देखो जिन बंदों ने मुझे पहली बार देखा है, आज मतलब तुम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी इस वीडियो को, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने फैन क्लास के ऊपर मतलब पहले से वीडियो बना चुका है, मतलब एकदम डिटेल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना। लेकिन तुम्हारे भाई से हो गई गलती, और गलती एक नहीं बल्कि दो गलती हुई। देखो सबसे पहले गलती ये थी कि देखो भाई जितने भी लोग उसमें पैसे कमा रहे हैं उन लोगों को मतलब तकलीफ हो रहा है विड्रॉवल से। भाई यूपीआई विड्रॉवल में क्या तकलीफ हो रही है भाई, तुम किसी और से यूपीआई विड्रॉवल कर रहे हो और उससे कैश ले लो ना भाई। देखो यार सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसमें पहले पेटीएम विड्रॉवल लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होने लगे तो कंपनी ने ना विड्रॉवल यूपीआई के थ्रू कंपलसरी कर दिया। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें बताओ। देखो चलो ये तो बात हो गई ना मतलब विड्रॉवल की, मतलब जिन लोग ना रजिस्टर करके मतलब खेल पा रहे मैच वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, चलो ठीक है मान लिया एक बार एक टाइम के लिए, उसको साइड में रखते हैं। बट कुछ लोग तो यार मतलब रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे भाई, उनका क्या प्रॉब्लम हो गया। मैं अभी मतलब सोल्यूशन निकालने के लिए ये वीडियो बना। तो सबसे पहली बात यार उन व्यूवर्स के लिए कि मतलब जो चतुर बनना चाहते हैं, तो देखो यार यहाँ पर है ना कोई भी स्टेप्स वेप्स मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, सीधा सिंपल एक लॉजिक बताने वाला, उस लॉजिक को अप्लाई करके देखना, फिर आपका मतलब चांसेस बढ़ जाएगा रजिस्ट्रेशन होने का, ठीक है ना। आप समझदार है कि भाई चतुर बनने से क्या होता है। उत्तमम दद्दात पाद मध्यम पादम चुचुक चुचुक। सबसे पहले तो यार तुम्हें चेक करना है कि फैन क्लास का जो टाइमलाइन है वो आपके टाइमलाइन से सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है डेट एंड टाइम, तो यार आप जाकर सर्च भी कर सकते हो डेट एंड टाइम। जैसे ही आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा, आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम यहां पर जब सेलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको ना यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम पर क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यार यही वो टाइम है जो फैन क्लास भी फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना यार, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके बदले मतलब इसके बिना तो यार तुम रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यार ये जो स्टेप है ना इसको समझने के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम लगना पड़ेगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10:30 बजे का मैच है, मतलब मैच 10:30 बजे का नहीं है, रजिस्ट्रेशन उसका है ना मैच का 10:30 बजे। तो अगर 10:30 बजे मैच है तो आपको 10:29 को मतलब फैन क्लास ऐप के अंदर जाना है, ठीक है। 10:29 के अंदर जाना है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे मैं जैसे 10:29 पर गया। जिस टूर्नामेंट को आपको ज्वाइन करना है ना उस टूर्नामेंट को कभी गलती से भी क्लिक मत करना, मतलब बता रहा हूँ मैं, गलती से भी क्लिक मत करना। 10:29 जब तक है तब तक उस टूर्नामेंट को क्लिक ही मत करना, उस मैच को मतलब गलती से हाथ भी मत लगाना, मतलब वही पेज पर रुकना, ठीक है। और जैसे ही 10:30 जैसी पलक झपकती, जैसी 10:30 हुआ ना गाइस, उसी पल आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा अपना प्रूफ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया। तो यहाँ पर है ना मतलब आप वीडियो प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लो कि मतलब 10:29 हो रहा था और मेरा टाइमिंग इतना करेक्ट था गाइस कि मतलब जैसे ही मैंने क्लिक किया तैसे ही 10:30 हो गया, एंड तुरंत मैंने रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आया, एंड तुरंत मैंने कॉपी पेस्ट किया अपना नाम, मतलब अपना नाम है ना कॉपी करके रख लेना है, पहले से ये बात बताना मैं भूल गया था, अपना नाम कॉपी करके रख लेना, तुरंत यहाँ पर पेस्ट करके ज्वाइन करना है, सिंपली यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन सा कंडीशन आ सकता है आपके साथ, ठीक है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास मतलब कोई और एक मोबाइल है, मतलब दोस्तों के या फिर मामा चाचा जो भी है, अगर एक और मोबाइल है तो भाई मतलब बवाल है भाई, तुम हर मैच रजिस्टर कर पाओगे। क्यों पता है, मैं जिस तरीके से करेक्ट टाइमिंग एडजस्ट करता हूं ना वो भी आप भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मैं वो भी बताता हूं। सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आने के बाद यहां पर लाइव टाइम यहां पर टाइप कर देना है। जैसे आप लाइव टाइम सर्च करोगे ना तो यहां पर आपको सामने फटाफट से एकदम वेबसाइट दिख जाएगी, करंट लोकल टाइम इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इसे क्लिक कर लेना है। अब देखो यहां पर जो टाइम दिखाएगा वो हम लोग का मोबाइल का टाइम होगा, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो है सेकंड्स का। अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ड सेकंड्स वाला टाइम दिया है तो भाई आप तो भाई जन्नत हो फिर तो।
सही बता रहा हूँ कसम से। यहाँ पर आपको सेकंड्स का एडवांटेज लेना है, जैसे ही समझ लो 10:29 हो रहा है एंड मतलब 10:30 होने को 15 सेकंड बाकी है, तो आपको 15 सेकंड पहले ही फैन क्लास खोलना है, और आपको पता है कि 15 सेकंड बाद 10:30 होने वाला है, तो आपको एक सेकंड पहले 10:29 पे एक सेकंड पहले उसे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे 10:30 हो जाएगा, जैसा मेरे में हुआ था मेरे वीडियो में, ठीक है, उसी तरह आपका 10:30 हो जाएगा तुरंत, और आप तुरंत रजिस्टर कर पाओगे। और हाँ, अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हो नाम को, तो वहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख दो भाई, एरा गरा नथु करा जो मर्जी लिख दो चला जाएगा, ठीक है, एरा गरा नथु करा लिख देना, लेकिन बाद में उसे एडिट करना मत भूलना। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएगा, आप एडिट ऑप्शन आ जाता है अपने नाम पे, तो वहाँ पर एडिट कर लेना, ठीक है। अब वहाँ पर और एक चीज़ क्या होती है वो भी मुझे आपको बताना है। सपोज आप कभी रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पर है ना डिसमिस करके कोई एक अलग सा समथिंग वेंट रॉन्ग करके ऑप्शन आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक साथ आपके साथ ही मतलब और भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत ऐप में ग्लिच आ जाता है, उस ग्लिच पे डरना नहीं है। जैसे ही आपको डिसमिस आता है ना, आपको फटाफट से उस डिसमिस ऐप को मतलब वापस से क्लिक करना है, डिसमिस को वापस से क्लिक करके वापस से ट्राई करना है, और तब तक ट्राई करना है जब तक स्पॉट्स फुल नहीं हो जाते। मतलब मुझे पता है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर मतलब वो स्पॉट्स फुल हो जाता है, बट फिर भी आपको ट्राई करते रहना है, करते रहना है, हार नहीं मानना। जैसे डिसमिस आते तुरंत डिसमिस पे क्लिक करना है, वापस वही टेक्निक से ट्राई करना है, ठीक है। पूरी लाइफ में मतलब मैं जब से फैन क्लास चला रहा हूं ना, मतलब समझ लो मैं यही टेक्निक यूज करके ना हर मैच रजिस्टर करता हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इस टेक्निक को कितने और अच्छे से ट्राई करते हो, ठीक है। टेक्निक मॉडिफाई तो होता रहता है ना, आप और भी अच्छे से कर सकते हो। बाकी यार अगर मैं कंपनी की तरफ से बोलूं, तो ये जो सिस्टम है ना रजिस्ट्रेशन करने का मैच का, अगर मतलब फैन क्लास के और भी ज्यादा यूजर बेस बढ़ जाते हैं ना, तो ये जरूर ना कुछ मतलब नया मॉडिफिकेशन करेगा अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। अगर वहां पर भी तकलीफ होता है तो मैं वहां पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर मतलब किसी को तकलीफ होता है और वो बंदा कमेंट वमेंट करता है कि भाई नया वाला जो सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कर दूंगा। यार अगर कोई नया लोग है जिसको फैन क्लास मतलब अभी तक जिसने इंस्टॉल नहीं किया, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड है वो भी अप्लाई कर लेना। आप डायरेक्टली अपने आप ही रेफरल कोड लग जाएगा बिकॉज वो रेफरल लिंक है। बट यार अगर तुम रेफरल अप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, क्या फायदा होगा वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मतलब अगर किसी को डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और अगर कुछ तकलीफ होता है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और हाँ, इस बात के लिए सॉरी कि मतलब मेरा वीडियो लेट आ रहा है, क्योंकि मतलब उसके पीछे कुछ कारण था जो कि मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, तो इसकी वजह से मेरा वीडियो संडे को नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।